हेलो व्यूअर्स, सुमन हैंडीक्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नए डिजाइन का स्टॉल लेकर आई हूँ। देखते हैं इसको। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए। देखिए फुल लेंथ का है ये। इसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है 5 चैन स्टिच करके, 2 को छोड़ के 3 डबल क्रोशे किए फिर, और इसको इस साइड से ही हम बढ़ाते जाएंगे। एक तरफ से 2 बुनाई एक जैसी हैं, देखिए ये 2 बुनाई है एक जैसी, फिर यहाँ पर 5 चैन स्टिच करके 3 डबल क्रोशे बढ़ा लिए हैं इधर ऐसे करके, तो 2 बुनाई एक जैसी हो गई। और इसी तरीके से हमने इसको इस साइड से बढ़ाते हुए 38 इंच की लेंथ तक बढ़ाया है, और उसके बाद में इसको घटाना शुरू कर दिया ऐसे ही 2-2 बुनाई के से। साइड से यहाँ पे ऐसे ले आएंगे इधर, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे के साथ ही यह कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इस शाल को बनाने के लिए मैंने यह क्रेव वाली ऊन ली है, 4 mm का क्रोशिया। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लिप नोट लगाएंगे पहले, देखिए स्लिप नोट लगा ली। अब यहाँ पर हम चैन स्टिच करेंगे। फाइव चैन स्टिच करिए। यहाँ पर 2 चैन स्टिच छोड़कर डबल क्रोशा कर लेंगे। देखिए इस थ्रेड को टाइट कर लेंगे कि यहाँ पर 8 चैन स्टिच जैसे लट लेंगे। यहाँ पर 3 चैन स्टिच हैं और हम यहाँ पर ये फास्ट में इसमें ऐसे अटैच कर लेंगे। लास्ट वाला जो है हमारा ये डबल क्रोशा, इसमें अटैच कर देंगे इसको। देखिए फिर यहाँ पर 3 चैन स्टिच करेंगे, पलट लेंगे, और फिर ये जो हमने 3 चैन स्टिच करी थी इनके अंदर से 3 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए इसको पलट लेंगे, फिर यहाँ पर 3 चैन स्टिच फिर करेंगे। अब यहाँ पर हमारी 5 चैन स्टिच होंगी, 3 नहीं होंगी। देखिए करके ये, और जी ये स्टार्टिंग वाली इधर की थी इसके अंदर से इसको अटैच कर देंगे। ये 5 हो गए, और जो ये यहाँ पे इसके अंदर लाकर हम इसको ऐसे अटैच कर। देखिए ये हमारी इस तरीके से लूप बन जाएगी।
फिर थ्री, फिर चैन स्टिच करेंगे और ये यहाँ पे लास्ट वाली में इधर ला के अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे फाइव करी थी हमने, ये डबल होकर आ गई, यहाँ पर थ्री करेंगे। अब इसको एक चैन करके यहाँ पर पलट लेंगे। यहाँ पर थ्री करेंगे, फिर देखिए ये जो हमने चैन स्टिच बनाई थी, अब इसके अंदर से डबल क्रोश से करेंगे थ्री। देखिए हो गए। अब यहाँ पर एक चैन करेंगे और फिर ये जो हमने डबल करके चैन स्टिच की लूप बनाई थी, अब थ्री डबल क्रोशे इसके अंदर से करें। देखिए यहाँ पर वन ही करेंगे चैन स्टिच और फिर पलट लेंगे। होगी हमारी यहाँ, देखिए ये जो हमने एक चैन बनाई थी इसको इसके अंदर से लाकर अटैच करेंगे यहाँ से। देख पा रहे हैं आप, यहाँ से लाकर अटैच करना है। फिर थ्री चैन बनाएंगे और फिर इधर हम लाके लास्ट वाले में अटैच करेंगे। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर अटैच करना। यहाँ का पर हम थ्री चैन स्टिच करेंगे, पलट लेंगे। अब ये जो हमने लूप बनाई थी इससे अंदर से हम थ्री डबल क्रोश है। देखिए बन गए हमारे थ्री, यहाँ पर सिंगल चैन और ये जो लूप है, फिर यहाँ पर थ्री डबल क्रोश है। बन गए। यहाँ पर हम फाइव करेंगे चैन स्टिच क्योंकि इसमें लूप बनेगी यहाँ पर। इसमें यहाँ पर लाकर अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से होगा। देख पा रहे हैं, यहाँ पर थ्री होंगी। यहाँ लाकर इसको अटैच कर देंगे। देखिए
यहाँ पर फिर 3 होंगी और फिर हम यहाँ पर लाकर इसको अटैच करेंगे। देखिए पलट लेंगे, यहां पर हम 3 चैन करेंगे। और यहां पर 3 डबल क्रोशे चैन, फिर यहां पर 3 डबल क्रोशे। अब 3 डबल क्रोशे हम ये जो लूप बनाई थी हमने 5 चैन की, इसके अंदर से करेंगे। देखिए इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा डिजाइन, यही पैटर्न है पूरे शॉल में। देखिए और जब यहाँ पे हमें बढ़ाना होता है तो यहाँ पर 5 चैन स्टिच करके हम लूप बनाएंगे, यहाँ फिर 2 राउंड होते हैं एक जैसे। और ये डबल क्रोशे हैं इनके जो बैक में चैन बनेगी चैन स्टिच वो 3 की बनेगी। स्टार्टिंग में जब हम बढ़ाते हैं ये 5 की बनती है, पर यही ध्यान रखना है। और इसी तरीके से आप इसको बनाते रहिए, जब हाफ शॉल हो जाएगा उसके बाद में यहाँ से ये घटने शुरू हो जाएंगे, हाफ तक बढ़ेगा। इसी तरीके से हम इसको बुनते जाएंगे, 2 राउंड एक जैसे होते हैं। देखिए 2 राउंड, 1 2, 2 राउंड। अब जैसे ये है एक इसके ऊपर आके 2 राउंड, फिर बढ़ जाएंगे फिर 2 राउंड, इसी तरीके से ये बुना जाएगा। देखिए हमारा ये 38 इंच बन चुका है। अब इसमें हर बार यहाँ पर हम 5 चैन स्टिच बना रहे थे, लेकिन अब ये हमारा यहाँ पर 5 चैन स्टिच नहीं बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हम 3 चैन स्टिच करेंगे। कर दिए हमने यहाँ पर,
देखिए जैसे पहले बढ़ता जा रहा था, अब यहाँ पर आके ये कम होता जाएगा इधर से ऐसे। यहीं पे रोक लिया हमने। इसी तरीके से आप इसको पूरा कर लेंगे। पहले बढ़ाया हमारा यहाँ तक 38 इंच का हो गया हमारा यहाँ पर। अब इधर से हम कम करता चले जाएंगे। इसी तरीके से हमारा यह शॉल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मेरा यह शॉल पूरा होने वाला है। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, इसमें दो बुनाई एक जैसी होंगी, फिर घट जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बुनाई है, तो इस बार हमारा यह घट जाएगा यहाँ पे। हम 3 चैन करेंगे इसके ऊपर, चैन हुई, और जो ये हमने यहाँ पर चैन बनाई हुई थी इसमें इसको अटैच कर देंगे। देख पा रहे हैं, ये हमारी लूप बन जाती है। ऐसे यहाँ पे फिर हम 3 चैन करेंगे। यहाँ पर लाकर इसको अटैच कर देंगे। किचन को भी यहाँ ये लास्ट में है, इसमें इसको लाकर अटैच कर देंगे। 1 चैन पलट लेंगे इसको। यहाँ पर हमें 3 चैन बनानी है। चैन बन गए। ये जो हमारी लूप बनी है इसमें 3 डबल क्रोस है। डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ एक चैन, फिर नेक्स्ट लूप है ये, इसमें 3 डबल क्रोशे। यहाँ पर 2 बुनाई होगी हमारी है, तो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशे नहीं करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। चैन बना देंगे। किचन 3 डबल क्रोशे इसके अंदर। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही बुनाई है हमारी, 2 बुनाई एक जैसी होती है।
चैन, थ्री चैन, थ्री चैन, ये डबल क्रोशे करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर पलट लेंगे, चैन अभी यहां पर एक बुनाई और डलेगी। अब हमारा शॉल कंप्लीट हो गया है, अब हम इसमें लटकन लगाएंगे। 12 इंच का थ्रेड कटा हुआ लटकन लगाने के लिए, और ये तीन धागे मैंने लिए हैं, तीन थ्रेड हैं एक जैसे 12 इंच के, इनको मैंने डबल कर लिया ऐसे। देखिए ये जो लोब बनी हुई है हमारी, इन्हीं में इसको लगाना है। हर एक लूप में हम इसको लगा देंगे, और इसी तरीके से सारे लूप में लगा कर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे लूप में इनमें लटकन लगा लेंगे। लटकन लगाने के बाद में हमारा स्टॉल रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको इसे बनाने में कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही यह भी बताएं कि यह आपको यह स्टॉल कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं सुमन हैंडीक्राफ्ट की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।